नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम पर्सपेक्टिव में। मैं हूं रमेश भट्ट। पर्सपेक्टिव में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी हैं, राष्ट्रीय जगत में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या कुछ हलचल चल रही है, साथ ही साथ बाजार और खेल जगत में क्या कुछ नया हो रहा है। इन सब को हम आपको बताते हैं अगले एक घंटे में। हम इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज क्या है खास? शिंदे के बयान पर घमासान, बीजेपी ने की इस्तीफे की मांग। बीजेपी के हुए कल्याण, लखनऊ में गडकरी को दिखाए काले झंडे। शिंदे के बयान पर हाफिज सईद का जवाब, मुद्दे को उठाए संयुक्त राष्ट्र में पाक। रेल का बड़ा किराया आज से लागू, सोने का आयात हुआ महंगा। और सानिया और बोपन्ना ने दिखाया दम, ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर चिंतन शिविर में आतंकवाद को आरएसएस और बीजेपी से क्या जोड़ा, राजनीतिक घमासान मच गया है। वहीं मुंबई हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद ने कहा है कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के सामने ये मामला उठाना चाहिए कि किस तरह भारत अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। नजर नेशन वॉच पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस दौर में हम आपको बताएंगे बाजार में क्या कुछ कल चल रहा है खास, खासकर जब सरकार ने सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 4 से 6% कर दी, इसके क्या मायने हैं। और साथ ही साथ दिल्ली में आप उपभोक्ताओं को मिलेंगे 9 के बजाय 12 सिलेंडर, लेकिन सवाल ये होगा जो बाकी कांग्रेस राज्यों ने 6 से 9 सिलेंडर किए थे, क्या वो राज्य भी अब अपने उपभोक्ताओं को 12 सिलेंडर सालाना सस्ते दर पर मुहैया कराएंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमी इंडिया के संपादक मनोहर मनोज साहब, आपका स्वागत है। सर, अगर हम गोल्ड की बात करें, कौन यहां पैसा नहीं लगाना चाहेगा क्योंकि मुनाफे का सौदा है। आपको लगता है कि सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि इस पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार बढ़ रहा था। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था गोल्ड इंपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे सरकार का बेहद उचित कदम मानता हूँ। चूँकि देखिए कि भारत में सबको मालूम है कि ये दुनिया का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, सोने के शौकीन होते हैं, शादी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और गोल्ड जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, कंपोनेंट होता है जी। लेकिन आप यह भी देखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी बढ़ चुका है, 2% जो एक आइडियल होना चाहिए वो 3-4.5% तक चला गया है। बिल्कुल। और हमारा बजट घाटा जो है वो करीब $23 अरब के लगभग बराबर चला गया है। बिल्कुल। हालांकि सरकार ने पिछली बार मार्च में भी इसे 3% से बढ़ा के 4% इंपोर्ट ड्यूटी किया था कि जिससे कि इंपोर्ट जो है थोड़ा डेटर करे और जो है हमारा बैलेंस जो है वो थोड़ा सा बेटर हो। लेकिन अभी भी जो है करीब करीब अप्रैल से दिसंबर के दौरान जो है करीब करीब 38 से 39 अरब डॉलर का इंपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये फिगर जो था वो 56 अरब डॉलर। लेकिन आप देखिए 2008-09 में 21 बिलियन तक के तकरीबन, 2009-10 में 28 बिलियन के तकरीबन, लेकिन 2010-11 में 40 बिलियन पहुंच गया, 2011-12 में 56 बिलियन, इस दिसंबर तक 38 बिलियन। बिल्कुल बिल्कुल, करीब करीब रोज हर साल जो है 800 से 900 टन जो है वो सोने का आयात होता है और बड़ी डिमांड है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने जो इसे हतोत्साहित किया है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके, जरूरी था, साथ जरूरी था। और इसे लेकिन सरकार को पब्लिसिटी भी करना चाहिए कि जो आप गोल्ड रिजर्व रखते हैं वो आप शादियों में इस्तेमाल करें बजाय कि नई खरीदारी करने के। और भारत देश में जो इंडिजिनस गोल्ड के प्रोडक्शन को लेकर के या आर्टिफिशियल ज्वेलरी को भी प्रमोशन करने के लिए इस पर कदम उठाया जाए, क्योंकि हमारे इकोनॉमी पर यह बर्डन डाल रहा है। नहीं है लेकिन लेकिन हाँ ठीक बात है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होगा कि जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी गोल्ड स्मगलिंग के लिए बड़ी कुख्यात थी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एक बड़ा डिसीजन लिया गया था कि गोल्ड इम्पोर्ट को अलाउ किया गया था, इसके वजह से गोल्ड स्मगलिंग बंद हो गई थी और धड़ल्ले से आयात हुआ। लेकिन आज का वक्त ये कहता है कि हम गोल्ड इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाएं, क्योंकि हमारे ये करंट अकाउंट डेफिसिट को भी इफेक्ट कर रहा है, रूपी को जो है वो डिप्रिसिएट कर रहा है और कुल मिला जुला करके फॉरेन एक्सचेंज पर ये एक बर्डन बना है।
मनोज साहब, दूसरी खबर है, दिल्ली में उपभोक्ताओं को 12 सिलेंडर मिलेंगे। 6 का कोटा था, सरकार ने 9 किया और 9 के बाद अब 12। क्या बाकी कांग्रेस राज्य जिन्होंने 6 से 9 कर दिए थे, क्योंकि दिल्ली में तो आपको बताया ये चुनावी वर्ष है लिहाजा उपभोक्ताओं को रिझाने के लिए कदम उठाया गया है, लेकिन बाकी कांग्रेस राज्य भी आपको लगता ही करेंगे? देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है इस मामले में, कुल मिला जुलाकर देखिए कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सरकार एक दोहरी मूल्य नीति की तरफ चल रही है और ड्यूअल प्राइसिंग जो है वो हमेशा बाजार में ब्लैक मार्केट पैदा करता है। एक डिमार्केशन हुआ जैसा, बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा हूँ। एक तो देखिए, कुछ चीजें जो है आप बिल्कुल ओपन मार्केट में लाइए, जैसे कि अनाजों का जो व्यापार है, पीडीएस के जरिए आप ब्लैक मार्केट, करप्शन और तमाम तरह की असुविधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पेट्रोलियम में ये गवर्नमेंट जो है एक तरह से ड्यूअल प्राइसिंग पे आ रही है। एलपीजी पर, सॉरी, डीजल पर आपने जो है अभी जो फैसला लिया है, ये थोक जो डीजल होगा वो महंगे दाम पर बिकेगा और जो है बल जो रिटेल जो होगा वो उसका जो है कंपनियां बढ़ाएंगी। तो एक पॉलिसी होनी चाहिए, मार्केटिंग पॉलिसी, प्राइसिंग की पॉलिसी। एलपीजी पर ये सरकार गडमट पॉलिसी कर रही है, ड्यूअल प्राइस एक तरह से पॉलिसी ला करके जो है ब्लैक मार्केटिंग को न्योता दे रही है। आप रिफॉर्म ला रहे थे कि एक परिवार के नाम पर 2-3-4 जो सिलेंडर थे उसको आपने हटाया, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन इसमें जो अंडरवेट जो होता है एलपीजी उसको लेकर के भी एक बहुत बड़ी ड्राइव चलनी चाहिए और 9-12 के बजाय 12 सबके लिए करना चाहिए। आपने दिल्ली सरकार की बात की तो दिल्ली में जो है बीपीएल फैमिली की तादाद ही कितनी है, दिल्ली मिडिल क्लास का शहर है, 4 लाख परिवारों को फायदा होगा। बिल्कुल 4 या 5 लाख बीपीएल का उन्होंने एस्टिमेट किया है वोट के लिए, लेकिन आप यह भी देखें कि 9 सिलेंडर में उनका काम चल जाएगा, लेकिन मिडिल क्लास में कम से कम 1 सिन अ मंथ, 1 सिलेंडर जो है महीने में जो है उनकी खपत होती है। तो आप इस तरीके से, हो सकता है कि वो ब्लैक मार्केट में चला जाए। एक तरफ आप कहते हैं कि सब्सिडी का बर्डन भी है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है हमें जो है अपना प्लान्ड ये नॉन प्लान्ड और फिजिकल डेफिसिट जो है वो घटाना भी है। तो ऐसे में वो पॉलिसी आनी चाहिए जो सरकार को बर्डन भी न करे और जनता को राहत दे। आप टैक्सेस के जरिए जनता को जो है तमाम तरह के राहत दीजिए, लेकिन ड्यूअल प्राइसिंग जो है वो एक तरह से बाजार में प्रॉब्लम, दोहरी प्राइसिंग की जो नीति आपने अपना रखी उसे बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बाजार में कहीं ना कहीं काला बाजारी को बढ़ावा दे रही है। और अगर 9 से 12 और स्टेट गवर्नमेंट करते हैं तो सीधे सीधे लुभाने वाली बात होगी, क्योंकि करना चाहिए। हाँ, नहीं करना, मैं कहना यूनिफॉर्म, आप राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास से कहते हैं कांग्रेस शासित राज्य जो हैं वो 9 से 6 से 9 कर रहे हैं। आज जब केंद्र ने 9 कर दिया तो कायदा तो ये कहता है कि आपको 9 से 12 करना चाहिए, उसमें आप बीजेपी शासित राज्यों से कह सकते हैं साहब हमने 12 दे रहे हैं आप तो 9 ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें होगा ये रमेश जी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को लॉस करेंगे। उनको ये बताया गया है कांग्रेस आला कमान के जरिए कांग्रेस शासित राज्यों में कि आप अपने वैट को कम करके आप अपने स्तर पे जो आपके डीजल के जो प्राइसेस बढ़े हैं, एड वॉल्यूम आप लगाते हैं, आपको उससे काफी ज्यादा रेवेन्यू आएगा और एक एक हिस्सा केंद्र सरकार अपने हिस्से का एक हिस्सा आपको भी देता है, बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी 1 लाख करोड़ से ऊपर जाता है। रेलवे की अगर बात की जाए, रेलवे की माली हालत के लिए रेल यात्री किराया भाड़ा बढ़ाना बहुत ही जरूरी हो गया था, लेकिन जैसे ही डीजल के दाम बढ़े, जो हम 6,600 करोड़ का आकलन कर रहे थे कुल मिलाकर, वहां से 2,500 करोड़ खिसक गए। सवाल यह है, जिस रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो 96-97% है, आप मानते हैं कि वहां जो विजन 2020 आपने 14 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का आपने स्वप्न दिखा है वो कैसे पूरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी चिंता की बात है। वो रेलवे जो देश का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रेलवे जो भारत की एक डेमोक्रेसी का और एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और इसका जो विजन जो आप कह रहे हैं की लाइफलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, दिनेश त्रिवेदी जो पूर्व रेल मंत्री थे, राजनीतिक कारणों से उनकी छीछा लेदर कर दी गई, अदरवाइज वो रेलवे का एक बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे थे। आपने ऑपरेटिंग रेशियो की बात की, 91%, फिर उसे घटा करके 78% एक रोड मैप किया था और रेलवे को एक सरप्लस क्रिएट करना था, तो उसमें आपको कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज से लेकर टिकट बढ़ाने, किराए बढ़ाने से लेकर माल भाड़े को रेशनलाइज करने से लेकर के बहुत सारे दूरगामी फैसले वो एक तरह से उस समय लाने की बात थी। स्टेशनों का ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल यूज करने से लेकर आपके जो लैंड जो है, जितनी रेलवे की जो एसेट्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज करने से लेकर, तो रेलवे को एक कम्प्लीट कमर्शियल इंटरप्राइज और साथ ही साथ जनता के प्रति जो है उसको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सर्विस ओरिएंटेड बनाने की बात जो है वो बिल्कुल उस पर काम होना चाहिए। मैं ये मानता हूं जी, मनोहर मनोज साहब, अब आपके सामने चुनौती होगी काकोदकर समिति, जो 2 समितियां बनी, जी जी, काकोदकर और सैम पित्रोदा समिति, जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को लेकर, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, खासकर मॉडर्नाइजेशन पे, आपको लगता है कि
रेलवे के लिए बहुत मुश्किल होगा, जिस तरह के रिसोर्सेज की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि अपने रिसोर्सेज बहुत कम है। गवर्नमेंट का बजटरी सपोर्ट आपका 40 से 50 हज़ार के बीच में, जिसको सबसे ज़्यादा हम मानते हैं, तो 14 लाख करोड़ आपके पास केवल अब 8 साल का समय बचा, बल्कि 7 साल का समय। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए, इसमें जो किराया बढ़ाने की बात थी, और जो किराया अभी जो मौजूदा रेल मंत्री ने बढ़ाया है पवन जायसवाल ने, वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन पैसेंजर फ्रंट पर जो घाटा हो रहा है, देखिए रेलवे का 2/3 जो खर्च जो है वो पैसेंजर में जाता है, आमदनी सिर्फ 1/3 होता है, और माल भाड़े से जो है करीब 1/3 खर्च होता है और 2/3 आमदनी वहां। लेकिन वहां वो कम करना चाहते थे ताकि प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, तो आपने जो फ्रेट पर बहुत ज्यादा लोड दिया हुआ है, तो पैसेंजर फ्रंट की कंप्लीट इकोनॉमिक ऑडिट होनी चाहिए कि आप किराया अगर 3 गुना भी बढ़ा दें तब भी जो है डेफिसिट जो है गैप पूरा नहीं होने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज करनी होगी और इसे ज्यादा एफिशिएंट बनाना होगा। और करप्शन, आप देखिए कि सीबीसी को सबसे ज्यादा रेलवे के खिलाफ करप्शन गया है, तो रेलवे में कहीं ना कहीं जो एसेट जो है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि रेलवे फ्रीबीज बांटने का एक बहुत बड़ा औजार है, मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल है, इसे आप कॉरपोरेशन में बदलिए, मैं इसे सहमत हूं, लेकिन वो फ्रीबीज का पूरा जो अमाउंट जो है वो 800 से 900 करोड़ रुपए है, तो घाटा केवल 800 करोड़ नहीं है। रेल मंत्रालय तो गठबंधन राजनीति का सबसे बड़ा प्रसाद बन गया। जी हाँ, जी हाँ, अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए प्रसाद के तौर पर रेल मंत्रालय दे देते हैं। बिल्कुल, वो अपनी क्षेत्रीयता और अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अब क्योंकि कांग्रेस के हाथ में यह है, तो रेल के जो हालात हैं, जो आर्थिक हालात हैं, उसको सुधारने के लिए जो पवन कुमार बंसल साहब कदम उठा रहे हैं, जो आपको लगता है कि इनको आगे बढ़ाना होगा, अभी कोई हालांकि कुछ नहीं आया है, कुछ हालांकि बड़े हार्श बात होगी, फैसले होते हैं जो आम जनता पे बोझ डालते हैं, लेकिन ये समय की मांग है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे हट सकते हैं। रेलवे में चौमुखी प्रयासों की जरूरत है, रेलवे के एसेट्स और उसके संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की जरूरत है, उसकी पूरी मशीनरी को एफिशियंट बनाने की जरूरत है, करप्शन फ्री करने की जरूरत है। आज भी रेलवे के खान पान में भ्रष्टाचार का भयंकर बोलबाला है, कुप्रबंधन है, और जितने रेलवे जोन है, जो 16 है, आप उसे कॉर्पोरेशन का एक तरह से स्टेटस दें और उसकी लाभदायकता और उत्पादकता को बढ़ाएं। मैं ये कहता हूं कि रेलवे जन कल्याण बहुत सारा कर सकता है, अगर आप पॉलिसी बनाएं, आमदनी भी हो सकती है और जन कल्याण। जन कल्याण तो तब करेंगे जब आप खुद आर्थिक तौर पे मजबूत होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो तो इसमें किंगफिशर ने, मनोहर मनोज साहब, मेरा आखिरी सवाल, जो कंपनी लॉ में बदलाव की बात की जा रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, ये क्या समय की दरकार है? देखिए, इस सरकार ने दो मामलों पे, मैं कहूँगा कि थोड़ा लोकतांत्रिक फैसला लिया है। लैंड एक्विजिशन में 75% या 80% किसानों की सहमति ली जाएगी, किसानों और आपने राइट टू कॉम्पनसेशन कर दिया, यानी एक तरह का अधिकार बना दिया। एक तरह से अधिकार दिया है, तो इसमें हालांकि कॉर्पोरेट खुश नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो पब्लिक, क्योंकि वो 67% चाहते थे, जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने मान लिया था, लेकिन बाद में यूपी अध्यक्ष ने उसमें वीटो किया और उसे पहले 80% कर दिया। बिल्कुल, तो जो कि आपकी स्टैंडिंग कमेटी भी 80% करना चाहती थी। परियोजनाओं में इससे गतिरोध आएगा। कंपनी लॉ को लेकर के भी ये माना जा रहा था कि शेयर होल्डर्स के राइट्स की रक्षा नहीं हो रही थी, और कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मनमाने फैसला लेता था, और जो आईपीओ से लेकर के या बाजार से धन उगाही से लेकर के या उसको खर्च करने के राइट से लेकर के, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ज़्यादा बोलबाल होता था। अगर ये प्रपोज्ड लॉ आता है तो इसमें शेयर होल्डर्स की राइट की रक्षा होगी और उनकी कंसेंट ली जाएगी। एक तरह से ये डेमोक्रेटिक, एक तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन को एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स देने की बात है, और ये एक तरह से स्वागत योग्य है। लेकिन इन टोटो अगर देखें, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो या कंपनी लॉ का मामला हो, इसके बहुत सारे पहलू को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाने की जरूरत है। बिल्कुल, और कम से कम लैंड एक्विजिशन एक ऐसा मसला है जो न सिर्फ आपकी परियोजनाओं पर असर डालता है, बल्कि आम आदमी की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। देखिए, इसका एक आप उसकी हजारों साल की बसावट को चंद मिनटों में उजाड़ देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, लेकिन रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, तो इसमें हमें कहना चाहिए कि जो अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर रहे जयराम रमेश साहब, बाद में वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आए, अभी भी हैं, जिन्होंने लैंड एक्विजिशन, रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन को आपस में जोड़ा। पहले ये सेपरेट बिल थे, आप मानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रिहैबिलिटेशन से जुड़ा या डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा, उस मामले में कोई सेकंड थॉट नहीं है, लेकिन जब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए जो शहरों के अगल बगल की जमीन, जो खेती योग्य जमीनें हैं, उसका जो उपयोग होता है, मैं इसमें एक पहलू और जोड़ना चाहूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट होता है इन किसानों को। आप देश के जो 99% जो किसान है, जो दूर रिमोट एरिया
साइज में है, उनके जमीन की न वैल्यू है, न उनका खेती जो है लाभकारी है। लेकिन अगर दिल्ली, गुड़गांवा और तमाम अगल बगल के किसान अगर बिल्कुल ऊसर जमीन है तो वो अरबों रुपए पा जाते हैं। मेरे हिसाब से उस पर टैक्स भी लगना चाहिए, बिल्कुल उनकी हिस्सेदारी बढ़ाएं, लेकिन उनको आप उस तरीके का प्रॉफिट भी ना दें। लेकिन अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए जो रियल एस्टेट जो लॉबी है वो भी अनड्यू बेनिफिट पाती है, और कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों का उसके साथ गठजोड़ है और नापाक गठबंधन है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज साहब हमसे जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है।